अपने 16वें सीजन के साथ टीवी की दुनिया में खूब धूम मचा रहा है। शो में खास बात यह है कि पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी लव एंगल बनने शुरू हो चुके हैं। जहां पहले सुंबुल तौकीर खान को लेकर कहा जाता था कि वो शालिन भनोट को पसंद करती हैं, तो वहीं अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीना के मन में शालिन के लिए फीलिंग्स है। लेकिन बता दें कि टीना दत्त और सुंबुल तौकीर से पहले भी बिग बॉस की ऐसी कई हसीनाएं रही हैं जो अपने को कंटेस्टेंट पर दिल हार बैठी। रश्मि देसाई। रश्मि देसाई को लेकर कहा जाता है कि बिग बॉस 15 के दौरान वो उमर रियाज को पसंद करने लगी थी। बिग बॉस के बाद दोनों को कई बार साथ में भी देखा गया था, लेकिन मीडिया द्वारा पूछे जाने पर रश्मि ने उमर को मात्र अपना दोस्त बताया। जियान्ड्रा सोरेस। जियान्ड्रा ने बिग बॉस 8 में एंट्री की थी। शो में गौतम गुलाटी उनका क्रश बन गए। दोनों को अक्सर साथ ही देखा जाता था और खास बात तो यह है कि दोनों ने नेशनल टेलीविजन पर एक दूसरे को किस भी किया था। वीना मलिक। वीना मलिक ने बिग बॉस 4 में एंट्री की थी। शो में उन्हें अश्मित पटेल के साथ खूब देखा जाता था। दोनों की बढ़ती नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। शहनाज गिल। शहनाज गिल बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला को दिल दे बैठी थी। उन्होंने सरेआम शो में कई बार कहा था कि तू मेरा है। शो के बाद भी दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता था। उनकी दोस्ती आज भी लोगों के दिल में है। नेहा भसीन। नेहा भसीन ने बिग बॉस OTT में एंट्री की। शो में उन्हें प्रतीक सहजपाल के साथ वक्त बिताते हुए खूब देखा गया। दोनों की बढ़ती नजदीकियां देखकर यूजर ने उन्हें खूब ट्रोल भी किया था। हालांकि शो के वक्त सिंगर पहले से ही शादीशुदा थीं। देवोलीना भट्टाचार्य। देवोलीना बिग बॉस 15 में रहते हुए प्रतीक को पसंद करने लगी थी। यहाँ तक कि उनके को कंटेस्टेंट विशाल कोटियार ने भी बताया था कि देवोलीना प्रतीक को पसंद करने लगी है।